पहले भी करता रहा है, आज भी करता है। जिस भी सरकार ने अपराधियों के खिलाफ, बेईमानों के खिलाफ, इस तरीके की गैंगों के खिलाफ, इन गैंगों से मिले हुए लोगों के खिलाफ कोई भी सरकार सख्त एक्शन लेगी, उसका हम समर्थन करेंगे। क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, खड़गे साहब, हम सब एक सवाल करते हैं। इसलिए मैं तो ये कहता हूं कि जितनी सख्ती के साथ में अपराधियों से निपटा जावे, जितनी ज्यादा खगाल करके अंदर से और नीट एंड क्लीन इस सिस्टम को बनाया जाए, हम उसके साथ में। अगर वसुंधरा जी के समय के पेपर लीक की भी जांच करेंगे ना तो भी आ जाएंगे। ये सरकार से संबंध नहीं है पेपर लीक, ये एक गिरोह है, एक माफिया है जो हर सरकार में काम करता है। आप बताइए, राजस्थान में तो आप बीजेपी कुछ भी हम लोगों की सरकार पे आरोप लगा देती है, लेकिन केंद्र की कितनी परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए, आपने सुना होगा 70 परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए। हरियाणा में, पंजाब में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, कौन सा ऐसा स्टेट बचा है जहां पर पेपर माफिया हावी नहीं और पेपर लीक नहीं हो रहे? इसलिए किसी एक सरकार पे तोहमत लगाना ये बहुत आसान है। और ये कौन से, ये इनकी परीक्षाएं होने दो, अगर ये पेपर लीक नहीं होने देते हैं तो हम धन्यवाद देंगे। सरकार के अच्छा काम कोई करेगी तो हम भी धन्यवाद देंगे, क्योंकि सबका उद्देश्य एक ही होना चाहिए, चाहे वो आम नागरिक हो, नेता हो, मीडिया हो, कि ऐसे गिरोह पनपे नहीं और इनको सख्त से सख्त सजा मिले, और अंतिम व्यक्ति तक जिसने भी बेईमानी की है उस तक पुलिस पहुंचे, कानून पहुंचे और कानून के मुताबिक उनको सजा हो। इसमें किसी की कोई दो राय है ही नहीं, ये चाहे किसी की सरकार के समय, किसी के समय हुआ हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है कि बेईमानों को जेल के अंदर करो, बच्चों की परीक्षाओं को सुरक्षित करो। हमने तो कानून बनाया भाई साहब, उम्र कैद का कानून बनाया, और हमारे कानून के बाद में केंद्र की सरकार ने बनाया, वो 3-4 स्टेट ने बना दिया, बाकी और बना रहे हैं। तो हुआ होंगे, हमारे समय में भी पेपर लीक हुए होंगे, मैं इसको इनकार नहीं करता, लेकिन कोई भी सरकार में बैठा व्यक्ति नहीं करा सकता, ये माफिया है जो करते हैं। इसलिए इनके ऊपर लगाम जितनी सख्ती से लगाई जाए, हम सब लोग उनके साथ। कांग्रेस इतनी मजबूत है, आपने देखा होगा कि किस तरीके से सारे नेता बैठे हैं, और एक सिर्फ हमने मालवीय जी हमारे ही नेता थे, हमने इतना बड़ा बनाया था, CWC मेंबर, मंत्री, MP, जिला प्रमुख, यूथ कांग्रेस, सब उनके घर में था। जब अंतिम समय में वो लोग वो हमारे पार्टी के साथ गद्दारी करके चले गए, तो फिर हम हमारे उम्मीदवार को जिता लें ये एनालिसिस हमने किया, या बीजेपी कैसे आ रही ये एनालिसिस किया। उस एनालिसिस के तहत हमने बीजेपी को हराने के लिए, उनको सबक सिखाने के लिए हमने समर्थन दिया था। आज वो बात है ही नहीं, कल अगर पार्टी आला कमान कोई निर्णय लेता है तो वो तो कहीं भी किसी भी स्टेट में, देश में ले सकता है, उसकी पालना हमको करनी है। बट आज की तारीख में बांगड़ में कांग्रेस बहुत मजबूत है, कल आपने देखा होगा सड़कों पे लोग, कार्यकर्ता खड़े थे, टिकट मांगने वाले खूब हैं, पदाधिकारी काम कर रहे हैं, नेता काम कर रहे हैं, जनता हमारे कार्यकर्ताओं के काम को, हमारे सरकारों की योजनाओं को अप्रिशिएट कर रही है, और बीजेपी से उनका मोह भंग हो चुका है। मजबूरी को खत्म करने के लिए ही कार्यकर्ता नेता हम सब तोड़ रहे हैं, और आने वाले समय में कांग्रेस मजबूत है ये नाम हो जाए, मजबूरी से मजबूत कांग्रेस हो जाएगी, आपको देखने को मिलेगा। उपचुनाव में सर गठबंधन, दूसरी बात हमने जो समझौता MP इलेक्शन में किया था वो हमने किया था, और हमने इसलिए किया था कि हमें मोदी सरकार जो इस देश में नफरत फैलाने का काम करती है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके जनता के हित में काम नहीं करती, उस मोदी सरकार को हटाने के लिए समान विचारधारा की पार्टी, जो कभी कह रहे हैं बीजेपी के पास नजदीक भी नहीं जाएंगे, उस पार्टी को हमने बीजेपी को हराने के लिए समर्थन दिया। एक तरफा समर्थन था,
समझौता नहीं था, एक तरफा समर्थन था। एक दूसरी बात, आज की तारीख में हम कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं, मजबूत हो रही है, सभी छह जगह हम कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। लेकिन जो देश की परिस्थितियां हैं, उस देश की परिस्थितियों में इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, अगर पार्टी आला कमान कोई भी समझौता करता है तो वो समझौता हमारे लिए लागू है, वो पार्टी आला कमान करता है समझौता। इसलिए आज की तारीख में हम छह के छह जगह कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है।